गुजरात से हैं विनय पाठक जी, स्वागत है आपका नमस्कार मैम। जी। नमस्कार। मैम एक्चुअली ऐसा है कि मेरी माता जी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, उनके जगह जगह पे ब्लड सा गांठ सा जाम हो जाता है, खून नहीं होता है, तो उस तकलीफ ज्यादा उनसे पाँव वगैरह से चला कम जा बहुत कम जाता है। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 45। अच्छा बेटा देखो, एक नुस्खा आप लिख लो और उनको 3-4 महीने दो माता जी को। देखिए, यूरिक एसिड हमारे जिस्म में होना चाहिए, या ग्लूकोज भी हमारे जिस्म में होना चाहिए, डायबिटीज जिसे कहते हैं। लेकिन जब ये बढ़ जाता है, अपनी अपनी तादाद से ज़्यादा जो भी चीज़ हो जाती है, ये कम हो जाती है, तो हम बीमार होते हैं, याद रखें। तो यूरिक एसिड भी ज़रूरी है। अब इसका किडनी का काम है कि इसको ज़रूरत का रोके, बाकी पेशाब के रास्ते खारिज कर दे। जब ये किडनी गलती करने लगती है तो हम यूरिक एसिड के मरीज़ हो जाते हैं, जैसे आपकी माता जी हुई। अलसी आपकी माता जी जानती होंगी, आप लिख लीजिए। अलसी ले लें, 200-400 ग्राम, सस्ती आती है। अलसी को लेकर हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, और ये पाउडर बना के रखें अपने घर में हमेशा। और एक आता है नमक जैतून, देखिए ये असली लेना ज़रूरी है, ये एक ऐसा नमक है जो नमकीन नहीं होता, ये ले लीजिए आप। 100 ग्राम भी ले लेंगे तो काफ़ी होना चाहिए। 1 चम्मच अलसी, 1 चुटकी नमक जैतून, ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसमें मिलाकर आप रोज़ाना 2 बार खाने के बाद माता जी को दें। और ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि रोगियों का रोग मुक्त होना मुमकिन है। इसी के साथ पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामफल। आपका सवाल? हमारा सवाल ये है, मैंने माता जी की दवाई लेनी है जी। माता जी के लिए दवाई पूछनी है? हाँ जी, क्या दिक्कत परेशानी है उनको? ले एक बार माता जी बता रहे हैं जी, एक बार देखो उनसे हाँ, पूछ बात लो जी। हेलो कराइए ठीक। जी, जी मैम बताइए। मेरा 3 साल तक थायराइड है, 3 साल तक थायराइड है और साल तक शुगर और क्या है? शुगर? है शुगर, शुगर ठीक है। वो तो कंट्रोल में आई, परहेज कर रही, दवाई तो मैंने लई नहीं और वो कंट्रोल में, थोड़ा कंट्रोल में है। हाँ शुगर कंट्रोल में हूँ तो, हाँ, और फिर मैंने दवाई को नहीं लई शुगर की, अच्छा क्या ले रही हैं? बस परहेज कर रही हूँ खाने पीने का। ठीक है। और दी एक मेरा एलर्जी है, जी एलर्जी भी है मेरा, एलर्जी किस चीज की? बस न्यू पता नहीं जी, कोई कोई दाद सभी हो जख जाऊं, लीरे से पड़ जा सारे शरीर में, कोई कोई दाना से जा। हाँ खुजली होती है आपको? पूरी होगा जी, बहुत बूंदी पड़ी होगा, सेम होगा नहीं। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 55। ठीक है जी। एलर्जी है एलर्जी है, जी, थायराइड है, शुगर है शुगर है। जी। तो देखिए बहुत आसान नुस्खा है एक, आप वो शुरू करें। ये जो आपके किचन में वो धनिया है ना, धनिया खूब धनिया का पाउडर बना लें, ज़्यादा सा बना लें, 200-400 ग्राम, वैसे धनिया होता भी है किचन में इतना तो। और ये धनिया लें, और एक आता है जामुन का गौंद, याद रखें जामुन का गौंद, ये खरीद लें असली, बड़ी मुश्किल से मिलता है या नकली मिलता है, असली ले लें। और खाना कैसे, जामुन का गोंद का अलग से पाउडर बना लें, धनिया का अलग से पाउडर बना लें, और 1 चम्मच धनिया लें, और ये 1 चुटकी में जितना जामुन का गोंद आए, ये जितना भी आ जाए उसका पाउडर, एक धनिया मिलाकर रोज़ाना खाएं सुबह नाश्ते से पहले। और 1 चुटकी आप लें
ये जो आपके किचन में सोडा होता है ना, खाने का सोडा, वो एक गिलास पानी में मिला के इस पानी से खाया करें, आपके सारे रोगों का फायदा होना मुमकिन है। जी बोल रहे हैं यूपी से मोनू मंत्री जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग मोनू जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। मैम सर से बात करनी थी। बात कीजिए जी। बेटा बात हो रही है मोनू जी। जी आदाब मोनू जी। सर मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी माताजी के लिए दो तीन सवाल करने थे आपसे। बताइए। सर उनको ना पेट की नाभि के नीचे सूजन रहती है काफी टाइम से, 10-12 साल से ये दिक्कत है। उनको कब्ज भी रहती है और एसिड भी बनता है सर बहुत ज्यादा, और पेट की गर्मी की वजह से बहुत उनको बहुत मतलब सारे डॉक्टर हमने दिखाए हर जगह, उनकी काफी इंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ कराया सर, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं आया। तो सर वैसे एज बता दी, एज है सर 50+ है, 52 के अराउंड है माता जी की। ठीक है ठीक। दूसरा सवाल सर, एक तो उनको यूरिन की जगह पे ना एक लंबा सा छाला भी हो गया है, तो उसमें काफी जलन रहती है उनको, और ये डॉक्टर ने कंसल्ट किया था कि वो पेट की गर्मी की वजह से या एसिड की वजह से या कब्ज की वजह से ये छाला है, तो उसमें काफी मतलब जो भी गर्म तासीर होती है ना जिन चीजों की, तो खा नहीं पाती, लाइक पपीता या कोई भी ऐसी चीज गर्म जिसकी तासीर होती है ना, तो उन्हें सर काफी प्रॉब्लम होती है, इतना होती है कि वो रात को रो रो के उठ के रोती है। ठीक। तीसरा सवाल सर, तीसरा सवाल ये है कि उनको ये प्रॉब्लम 8-10 साल से ही है, और पहले काफी डॉक्टर्स को मतलब हर जगह दिखा दिया सर, और कहते ना सारी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सब कराई जिसमें सर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, कोई भी सिर्फ गैस्ट्रेटिक की दिक्कत दिखा रहे हैं उसमें। एक रिपोर्ट में पेट की स्टमक की जो हमने रिपोर्ट कराई थी उसमें गैस्ट्रेटिक की दिक्कत आ रही है बस, बाकी हर रिपोर्ट सर हर रिपोर्ट A-Z रिपोर्ट नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, रिपोर्ट्स कराई, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, अपनी माता जी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको सही नुस्खा मिला नहीं है अभी। मैं एक नुस्खा आपको बता देता हूँ, और देखिए बहुत मामूली सा है, बहुत तुच्छ सा आदमी हूँ मैं, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा होता है। देखिए मेथी तो आप जानते हैं, मेथी का दाना 100 ग्राम खरीदें, और धनिया का दाना 200 ग्राम, और इनको जितना भी बारीक कर सकते हैं पाउडर बना लीजिए, बहुत आसान नुस्खा है। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून असली लें, असली नमक जैतून लेना ज़रूरी है। ये नमक देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है, लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता, इसका स्वाद नमकीन नहीं होता, ये पहचान है, और ये बिल्कुल सफ़ेद होता है। अच्छा, ये जो पाउडर आपने बनाया नमक के साथ लेना है, मेथी और धनिया का पाउडर का रेशो मैंने आपको बताया था, 100 ग्राम मेथी 200 ग्राम धनिया, इसको पाउडर बना के एक चम्मच लें, और इसमें दो चुटकी, ये चुटकी है ना जितना, दो चुटकी नमक जैतून मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले आधा घंटा पहले खिला दिया करें। जितने रोग आपने बताए हैं उन सब का निवारण मुमकिन है, तेज़ी से काम करता है ये, आप इनके लिए इस्तेमाल करें, और फ़ायदा हो तो आप हमें फ़ोन करके बताएं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब किसी के मरीज़ को फ़ायदा होता है, फ़ोन करके बताते हैं, तो हम हमारा सेवा भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, जम्मू से हैं गिरधारी लाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार हकीम साहब। नमस्कार आदाब सर, जय हिंद, स्वागतम। सर मेरे को इधर सीने के नीचे और पेट नाभि के ऊपर जो पेट होता सर, मेरे को 8-9 महीने हो गया सर, और दर्द होता इधर सर, फिर चेस्ट में भी भारीपन लगता सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 55, और मैम दवाइयाँ 7-8 महीने हो गया दवाइयाँ खा रहा हूँ आपका, जैतून का सिरका खा रहा हूँ, डिप्रेशन की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, एमकेयर दवाई खाई थी आपकी, उससे थोड़ा आराम था, पर पेट की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, एलोपैथिक दवाई खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, छोड़ देता हूँ तो फिर वही हाल हो जाता है। ठीक है ठीक है जी।
हाँ देखिए, आपको जो खून की चर्बी में फ़ायदा हो गया ये बहुत अच्छा है, कम लिया करें। अब फ़ायदा होने लगा तो कम लिया करें। और मैं जो बार बार एक नुस्खा बताता हूँ वो बड़ा अच्छा है, और वो है बहुत सरल। धनिया का पाउडर बना लें, एक चम्मच धनिया का पाउडर लें, असली नमक जैतून एक चुटकी, जितना इसमें आता है एक चुटकी इसे कहते हैं, एक चम्मच धनिया मिला के दिन में 2 या 3 बार खाएं, खाने से आधा घंटा पहले, तो आपकी ये समस्या भी अच्छी होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं मुकुल बंसल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी। नमस्कार, आदाब सर। मैंने ये गौंछी, मेरे एक्चुअली मेरी एज 32 है, मतलब पैरों में दर्द के लिए गौंछिया मंगाया था, तो तकरीबन 1.5 महीना को चलाए लेते हुए, तो जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो तकरीबन 10 दिन बाद मुझे आराम लगा, आराम नहीं मतलब मेरा दर्द बढ़ा, 7 दिन तो दर्द बहुत बढ़ गया, फिर 15 दिन तक मेरा दर्द बढ़ता रहा, फिर 15 दिन से मुझे आराम मिलता रहा, आराम मिल गया, लगभग लगभग 1 महीने तक मुझे आराम रहा, फिर सर दर्द फिर से बढ़ गया है सर। अभी 1 महीने तक तो 15 दिन से लेके 1 महीने तक तो मुझे काफी आराम लगा, मैंने आपको कॉल भी किया था, आपको फीडबैक भी दिया था कि मुझे अच्छा आराम है, लेकिन सर अभी फिर से दर्द, दोनों पैरों में दर्द बढ़ गया है। और मैं वो जो सर ने मुझे जो परहेज बताए थे, जो उठना, कम मेहनत करना, वो सब मैं कर रहा हूँ, टॉयलेट वगैरह सब यूज, ठीक है, वजन नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा बेटा, आप सारे परहेज कर रहे हैं और ये दवा काम कर तो कर रही है, और अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी आपके पास गौंसिया बचा हुआ है, और अब आपने कह दिया कि परहेज भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ हिदायत भी नहीं दे सकता, और इसे ख़त्म कर लीजिए, ये अपने ख़त्म होते होते गौंसिया आपके रोग को ख़त्म करने की ताकत रखता है। कोई मरीज ऐसा होता है कि जिसको दर्द बढ़ जाता है और उसको हमसे शिकायत होती है, फिर कम होने लगता है, फिर एक आध बार ऐसा होता है कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, और फिर वो कम ही होता जाता है। आप बहुत समझदार हैं, आप सारे परहेज कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। कभी बहुत दर्द हो तो कोई दर्द की दवा भी आप ले सकते हैं, ये जो दबी हुई होती है ना नसें, वो उनको स्टैंड देता है, ऐसे सीधी करता है, तो उन्हें सीधी होने दीजिए। दर्द हो, बर्दाश्त नहीं हो, तो दर्द की एक गोली आप खा सकते हैं कभी भी, वैसे भी तो खानी पड़ती है, लेकिन इसे अपना पूरा काम करने दीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नीरज तिवारी हैं सुल्तानपुरी से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरे 2 सवाल है। बोलिए हकीम साहब से। जी तिवारी जी, मेरी सिस्टर का इलाज चल रहा है ल्यूकोरिया का, आप हकीम साहब ने बताया था, तो वो इलाज कर रही है 1 हफ्ते से, लेकिन उनकी शरीर की हड्डियों में बहुत दर्द है, तो उसके लिए इलाज बताएं। ठीक। और मैं, मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है सर, मैं भी पेट का इलाज कर रहा हूँ, आपका सौंफ, धनिया, मेथी, आंवला और गोंद मुरिंगा वाला नुस्खा, लेकिन मुझे सुबह से शाम तक गैस डबल बहुत रहता, दिन भर पेट में गैस बनी रहती है, हमेशा गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट करता है, इसका इलाज बताएं सर। ठीक है। हाँ देखिए, बहन के लिए ल्यूकोरिया तो बहुत जल्दी ठीक होना चाहिए उनका, फिर भी टाइम लगता है यूनानी दवाओं में। जो दर्द है उनको, उसके लिए गौंसिया आधा आधा ग्राम नाश्ते और खाने के बाद उन्हें देना शुरू करें, असली खरीदें, और 5-7 दिन के बाद थोड़ा फ़ायदा शुरू होगा, और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो ख़त्म होते होते ये रोग से मुक्ति देने की ताकत रखता है। और कभी आप दिन में कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं हम, अरंडी का तेल आसान भाषा में कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पी लिया करें, और गर्म पानी खूब पिए इस पर, तो आँतों में नमी पहुंच जाएगी, चिकनाई पहुंच जाएगी, ऐसी चिकनाई जो आँतों पर लेमिनेशन का काम करे। और धनिया और मेथी 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, इसका पाउडर बना लें, और 1 चम्मच
आधा घंटा पहले नाश्ते से लें और इसमें दो चुटकी नमक जैतून मिलाकर लिया करें सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले और शाम को खाने से आधा घंटा पहले, तो आपके सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बहुत उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना मुमकिन।